हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम क्लास 6 की हनी सकल बुक की पोएम नंबर 4 ब्यूटी की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्यूटी समरी इन इंग्लिश। ब्यूटी गिव्स प्लेजर टू ऑल आवर सेंसेस। जो खूबसूरती है वो हमारे जो सेंसेस हैं, सेंसेस का मतलब होता है हमारे आंख, कान, नाक, स्किन। खूबसूरती हमारे सेंसेस को खुशी देती है, प्लेजर देती है। इट कैन बी नोटिस्ड In the sunlight, the trees, the birds, the fields and the dancing group. और खुशी को हम कहाँ कहाँ notice कर सकते हैं, कहाँ हम देख सकते हैं? हम sunlight में देख सकते हैं, सूरज की रोशनी में, पेड़ों में देख सकते हैं, पक्षियों में देख सकते हैं, खेतों में देख सकते हैं, और जो समुद्र डांस कर रहा है उसमें भी हम ब्यूटी को देख सकते हैं, खूबसूरती को देख सकते हैं। The people dance joyfully for the harvest. हार्वेस्ट का मतलब है फसल। तो लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही खुशी से डांस कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो फसल है वो पक चुकी है। ब्यूटी कैन ऑल्सो बी हर्ड इन द नाइट व्हेन द विंड मेक्स अ विस्लिंग साउंड, द रेन फॉल्स और सम सिंगर सिंग्स मैरिली। जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, उसको सुना भी जा सकता है, रात में सुन सकते हैं। अब रात में कैसे सुनेंगे? जो हवा चलती है और जो हवा चलने की जो विस्लिंग साउंड आती है, सीटी की जो साउंड आती है हवा की, हम उसमें सुन सकते हैं। जब बारिश गिरती है, रेन फॉल्स, जब बारिश गिरती है तो हम उसमें भी ब्यूटी देख सकते हैं। और जब कोई गायक, कोई सिंगर खुशी से कोई गाना गा रहा है, हम उसमें भी ब्यूटी को सुन सकते हैं। ट्रू ब्यूटी हाउएवर शोज इटसेल्फ इन आवर नोबल एक्शंस एंड गुड आइडियाज। और जो असली खूबसूरती है उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं? जो हमारे जो नेक काम है, नोबल एक्शन का मतलब जो हमारे नेक काम, और जो हमारे गुड आइडियाज हैं, जो अच्छे विचार हैं हमारे, वहाँ पे हमारी ट्रू ब्यूटी यानी कि वहाँ पे सच में खूबसूरती हमें नजर आती है। ट्रू का मतलब है सच। दैट ब्यूटी इज रिपीटेड इन वंस ड्रीम्स एंड डीड्स। और जो ट्रू ब्यूटी है, जो सच में जो खूबसूरती है, वो कहाँ पे रिपीट होती है? वो हमारे सपनों में रिपीट होती है। रिपीट का मतलब होता है किसी भी काम को दोबारा से करना। हमारे सपनों में वो दोबारा से आती है ट्रू ब्यूटी। हमारे काम, बीच का मतलब है काम में भी रिपीट होते हैं। एंड इवन व्हेन वन रेस्ट, और जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं, तब भी ट्रू ब्यूटी अपने आप ही शो करती है। तो ये था हमारा आज के लेसन, ब्यूटी का समरी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन। आज का लेसन अगर आपने एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।